नवीन संसद भवन हे 140 कोटी भारतीयांच्या इच्छांचं आणि स्वप्नांचं प्रतिबिंब आहे। या नवीन भवनामुळे आपल्या सगळ्या लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आता वाढली आहे। तेही जबाबदारी अत्यंत निष्ठेनं पार पाडून या भवनाचं वैभव आणि त्याचा महिमा वाढवतील अशी मला खात्री आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे। नवीन संसद भवनाचं उद्घाटन झाल्यानंतर या भवनातील लोकसभेच्या सभागृहात एका विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं तेव्हा ते बोलत होते। लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश सिंग यांच्यासह केंद्रीय मंत्रिमंडळातले सदस्य तसंच विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री या कार्यक्रमाला उपस्थित होते। या संसद भवनाची प्रत्येक वीट, प्रत्येक भिंत आणि या इमारतीचा कण कण गरिबांच्या, दलितांच्या आणि वंचितांच्या उत्थानासाठी सतत झटत राहील असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली सदियों को सजाने संवारने वाला है। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने वाला होगा। यहां होने वाला हर निर्णय भारत के उज्ज्वल भविष्य का आधार बनेगा। गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, दिव्यांग समाज के हर वंचित परिवार के सशक्तिकरण का, वंचितों को वरीयता का रास्ता यहीं से गुजरता है। इस नए संसद भवन की हर ईंट, हर दीवार, इसका कण कण गरीब के कल्याण के लिए समर्पित। प्रत्येक देशाच्या इतिहासात असे भाग्यशाली क्षण येतात जे अमरत्व प्राप्त करतात। आजचा दिवस याच प्रकारचा आहे। अमृतकाळात लोकांनी स्वतःचं नवीन संसद भवनाची भेट प्राप्त करून घेतली आहे, असं पंतप्रधान म्हणाले। आज लोकांनी गुलामगिरीची मानसिकता झटकून टाकत सनातन गौरवशाली कलेचा वारसा आपलासा केला आहे। नवीन संसद भवन हे त्याचं जिवंत उदाहरण असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले। सत्ता, सामर्थ्य आणि सुशासन यांचं प्रतीक असलेल्या सेंगोलची प्रतिष्ठापना पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आली। हा सेंगोल आपल्याला दैनंदिन सरकारी कामामध्ये सतत प्रेरणा देत राहील असा विश्वासही पंतप्रधानांनी यावेळेस व्यक्त केला। गरिमा लौटा सके है, उसकी मान मर्यादा लौटा सके है। जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। आज या लोकशाहीच्या मंदिरानं सगळ्या जगालाच आपल्या सामर्थ्याची आणि निर्धाराची ओळख करून दिली आहे। या अमृतकाळात आपण बहुआयामी मानवी चेहरा असलेली प्रगती करून आणि त्याचबरोबर आपला वैभवशाली वारसाही जपू, असं पंतप्रधान म्हणाले। गेल्या 9 वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या विविध कामांचा उल्लेख पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात केला आणि आपलं सरकार गरिबांच्या कल्याणासाठी सतत प्रतिबद्ध राहील असंही ते म्हणाले। संसद की नई इमारत के निर्माण का गर्व है तो मुझे पिछले 9 साल में गरीबों के 4 करोड़ घर बनने का भी संतोष। आज जब हम इस भव्य इमारत को देखकर अपना सर ऊंचा कर रहे हैं तो मुझे पिछले 9 साल में बने 11 करोड़ शौचालयों का भी संतोष है, जिन्होंने महिलाओं की गरिमा की रक्षा की, उनका सर ऊंचा कर दिया। आज जब हम इस संसद भवन में सुविधाओं की बात कर रहे हैं तो मुझे संतोष है कि पिछले 9 साल में हमने गांवों को जोड़ने के लिए 4,00,000 किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कों का निर्माण किया। आज जब हम इस इको फ्रेंडली इमारत को देखकर खुश है तो मुझे संतोष है कि हमने
पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण किया है। आज जब हम इस नए संसद भवन की लोकसभा और राज्यसभा को देखकर उत्सव मना रहे हैं तो मुझे संतोष है कि हमने देश में 30,000 से ज्यादा नए पंचायत भवन भी बनाए हैं, यानी पंचायत भवन से लेकर संसद भवन तक हमारी निष्ठा एक ही है, हमारी प्रेरणा एक रही। देश का विकास देश के लोगों का विकास। यावेळेस राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश सिंग यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या संदेशाचं वाचन केलं। संसद के नए भवन के उद्घाटन का यह महान अवसर भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज रहेगा। इस अवसर पर यह संदेश प्रेषित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। नए संसद भवन का उद्घाटन हमारी विशाल और विविधतापूर्ण भारत भूमि के सबसे उत्तरी छोर से दक्षिणी सिरे तक, पूर्वी सीमा से पश्चिमी तट रेखा तक रहने वाले सभी देशवासियों के लिए गौरव व अतुलनीय आनंद का अवसर है। उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनीही दिलेल्या शुभेच्छा संदेशाचं वाचन हरिवंश सिंग यांनी यावेळेस केलं। और गौरव क्षण में पूरे देश को हार्दिक बधाई देते हुए मुझे अपार खुशी है। हमारा मौजूदा संसद भवन आजादी मिलने से आज दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में भारत की पहचान बनने तक की ऐतिहासिक यात्रा का गवाह है। मुझे पूरा यकीन है कि इस अमृत काल के दौर में बना नया संसद भवन आगे भी हमारी तेज प्रगति का साक्षी रहेगा। लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी देखील या कार्यक्रमात आपले विचार व्यक्त केले।